सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे जंक्शन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इटारसी रेलवे जंक्शन पश्चिम मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में और होशंगाबाद जिला के इटारसी शहर में स्थित मध्य प्रदेश के भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह जंक्शन मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खास रेलवे जंक्शन है जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के चारों दिशाओं के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह जंक्शन भारत के चारों दिशाओं का एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन प्रदान करवाता है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है ईटी। इटारसी रेलवे स्टेशन एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है, जिस वजह से यात्री इटारसी रेलवे जंक्शन के माध्यम से भारत के अलग अलग शहरों तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इटारसी रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 100 वर्षों के अधिक समय से होशंगाबाद जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह जंक्शन भोपाल डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है जो हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर और दिल्ली नागपुर चेन्नई लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफी व्यस्त है। इटारसी रेलवे जंक्शन का गठन उस समय किया गया था जिस समय जबलपुर को भुसावल से जोड़ा जा रहा था। ठीक उसी दौरान इटारसी रेलवे स्टेशन का भी गठन किया गया था। इटारसी रेलवे जंक्शन के उत्तर भाग की ओर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन, पूर्व भाग की ओर जबलपुर जंक्शन, दक्षिण से पश्चिम भाग की ओर खंडवा जंक्शन और महाराष्ट्र का भुसावल जंक्शन और दक्षिण भाग की ओर नागपुर जंक्शन और अमला रेलवे जंक्शन स्थित है। जानकारी के लिए बता दे, हावड़ा से इलाहाबाद और इलाहाबाद से मुंबई रेल लाइन को साल 1870 के दौरान खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 2127 किलोमीटर है, जिसे कोलकाता मुंबई मेन लाइन के नामों से भी जाना जाता है। यह रेल लाइन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और महाराष्ट्र के मुंबई को इलाहाबाद और जबलपुर के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। इसी रेलवे लाइन के बीच में इटारसी रेलवे जंक्शन स्थित है। दिल्ली से नागपुर और नागपुर से चेन्नई रेल लाइन को साल 1929 के दौरान खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 2182 किलोमीटर है, जिसे दिल्ली चेन्नई रेल लाइन के नामों से भी जाना जाता है। यह रेल लाइन भारत की राजधानी दिल्ली को, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई को, नागपुर और विजयवाड़ा जंक्शन के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। जबलपुर से भुसावल रेल लाइन को साल 1870 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 552 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेल लाइन हावड़ा मुंबई लाइन का ही एक हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर को और महाराष्ट्र के भुसावल को इटारसी और खंडवा जंक्शन के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। और भोपाल से नागपुर रेल लाइन को साल 1924 में खोला गया था। यह रेल लाइन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को और महाराष्ट्र के नागपुर को इटारसी जंक्शन के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। इटारसी रेलवे जंक्शन से तीन मुख्य रेलवे लाइनें निकलती है। पहला भोपाल जंक्शन, दूसरा अमला जंक्शन, तीसरा जयपुर जंक्शन और चौथा खंडवा जंक्शन को सीधे आपस में जोड़ती है। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो इलाहाबाद से जबलपुर और जबलपुर से भुसावल रेल लाइन को साल 2011 के रेल बजट में इलेक्ट्रीफाई करने का बिल पास किया गया था, जिसे मौजूदा समय में इस रेल लाइन को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। दिल्ली से नागपुर और नागपुर से चेन्नई रेल लाइन को साल 1980 से साल 1991 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। इटारसी रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे जंक्शन के लिस्ट में आता है, जो मध्य प्रदेश का पहला और भारत का आठवां सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे जंक्शन के लिस्ट में आता है। इटारसी रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के भोपाल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। 1 अप्रैल साल 1952 में इटारसी रेलवे जंक्शन को भोपाल रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। इटारसी रेलवे जंक्शन की ऊंचाई समुद्र तल से 329 मीटर तकरीबन 1080 फुट के करीब है। इटारसी रेलवे जंक्शन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म और 11 पटरियां शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 2 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते
करते हैं और लगभग 385 रेलगाड़ियों से ज्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। आपको बता दें, इटारसी रेलवे जंक्शन के माध्यम से कुल मिलाकर रोजाना 360 रेलगाड़ियां इस स्टेशन पर रुकती है और कुल मिलाकर 8 रेलगाड़ियां रोजाना इस स्टेशन के माध्यम से बनती है और कुल मिलाकर 8 रेलगाड़ियां समाप्त होती है। इटारसी रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, सोने का कमरा, रिजर्वेशन काउंटर, शौचालय, फूड स्टॉल, टी स्टॉल और पुस्तक की स्टॉल जैसी सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध है। इटारसी रेलवे जंक्शन हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर, दिल्ली नागपुर चेन्नई लाइन पर, जबलपुर भुसावल सेक्शन पर और भोपाल नागपुर सेक्शन पर स्थित है।